नजरबंद किया गया है। बढ़ते आगे, वाराणसी में बजरंग दल का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। शास्त्री घाट पर सैकड़ों की संख्या में नारेबाजी कर रहे हैं कार्यकर्ता। राष्ट्रपति के नाम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। तो हिंसा करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं बजरंग दल। तस्वीरें आपके सामने, नारेबाजी की जा रही। वाराणसी में बजरंग दल का यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। शास्त्री घाट की यह तस्वीर है जहां पर सैकड़ों की संख्या में नारेबाजी ये कार्यकर्ता कर रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। जिस तरह से हिंसा देखने को मिली थी अलग अलग जिलों में, उसी के विरोध में जो है ये बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां सेक्टर 19 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताएं, सेक्टर 19 में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वाराणसी के बाद अब नोएडा में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का यह प्रदर्शन है। हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। जुम्मे को उत्तर प्रदेश में जगह जगह जिस तरीके से पथराव हुआ उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सेक्टर 19 में सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, नारेबाजी की है, अपना विरोध प्रकट करते हुए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पहुंचे, बताइए। आज हम पिछले 2-3 हफ्तों से जो पूरे भारतवर्ष में एक विशेष समुदाय के लोग उन्मादियों के रूप में मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं और वहां पर जिहादी मानसिकता को फैलाने के लिए मस्जिद में नमाज के बाद में तकरीर सुनने के बाद में जो सड़कों पर उतरकर जो उपद्रव करते हैं, जो तांडव करते हैं, उस तांडव को सरकार के संज्ञान में लाने के लिए हम महामहिम राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन सौंपा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और पिछले 1 घंटे से लगातार नारेबाजी करने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और तमाम जो भी उन्मादी है, जो लोग इस तरीके का बलवा या दंगा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। वीर जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सदन शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग को बंद करने की मांग की जा रही है। आयोग के जरिए की गई भर्तियों को रद्द करने की मांग की जा रही है। सदन की सीढ़ियों पर बैठे हैं कांग्रेस के विधायक। तो आज सदन की सीढ़ियों पर कांग्रेस विधायकों का यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीर आपके सामने है देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सदन शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं बुलंदशहर में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शहर के मुख्य चौराहे में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे सैकड़ों युवाओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। हाथों में तिरंगा लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान जाम लगने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक खदेड़ा है। इस दौरान युवाओं ने अग्निपथ स्कीम को युवाओं